make it unique, grand, and remarkable. There are various kinds of valuable stones that have been brought from different places to decorate and deck the premise of Kashi Vishwanath Dham. Sandstones, red sandstones, Baleshwar stones, Makrana marbles, and Kota granites have been used in building the structure and decorating it. ये जो आप दृश्य इस वक्त देख रहे हैं वो वास्तव में अगर मैं कह पाऊं और उसको एक शब्द दे पाऊंगल में ही आदिशंकर की मूर्ति, ये सब प्रतीक भले ही हों लेकिन ये प्रतीक आपको एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। वो लक्ष्य इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, वो स्वयंभू लिंग जिसके शिखर दर्शन करने मात्र से आपको लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है। अगर आप स्वयं धाम में नहीं पहुंच पाए तो कहते हैं अगर आप केवल मंदिर का शिखर दर्शन ही कर लें तो आपको संपूर्ण फल बाबा विश्वनाथ के दर्शन का मिलेगा। ऐसा मैं काशी खंड स्कंद पुराण के में वर्णित उन श्लोकों के आधार पर निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप जितने लोग भी इस वक्त इस भव्य दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप सभी को भगवान श्री विश्वेश्वर के दर्शन का फल प्राप्त हो रहा है। और ये तपस्या की भूमि, ये समर्पण की भूमि, ये त्याग की भूमि, जहाँ पर मनुष्य नहीं जितने भी जंतु हैं। आपने एकदम सही कहा, ये अकल्पनीय क्षण है, ये अद्भुत क्षण है, अलौकिक है, इतिहास में अमर है, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर माँ गंगा की गोद में माँ गंगा का अवगाहन किया, स्नान किया और अब जल लेकर वो जलार्पण करने के लिए चल चुके हैं बाबा धाम के लिए। ये संकल्प के सिद्धि का समय है, ये कर्मयोगी का आदि योगी को कार्यांजलि देने का क्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विशिष्टतम अध्याय है, स्वर्णिम अध्याय है सनातन संस्कृति के इस पूरे कालखंड में, क्योंकि बाबा के दिव्य धाम का, भव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है समूचे देश के लिए, समूची दुनिया के लिए। ये जो स्वर्ण शिशु की गंगा अवतरण के दृश्य हैं, अनेक ऐसे कथानक हैं जो कि भगवान शिव से संदर्भित हैं। और ये देखें कि किस तरीके से आप ये दृश्य, विहंगम दृश्य देख रहे हैं, अद्वितीय दृश्य देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे धराधाम को सजाया गया है, काशी धाम को सजाया गया है। और आज काल के कपाल पर अमिट सृजन का अमिट हस्ताक्षर लिखा जा रहा है, अमिट हस्ताक्षर हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी इन बालकांड राइट्स, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। विद दिस ग्रेट विजडम एंड स्पिरिट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, आफ्टर टेकिंग द होली डिप इन द सेक्रेड रिवर गैंजेस, नाउ और ये तस्वीरें एक बार फिर आप लगातार वाराणसी से देख रहे हैं। बाबा विश्वनाथ धाम का वो एक विहंगम दृश्य जो अपने आप में बताता है कैसे ध्वज पताका लगातार फहरा रही है यहाँ पर इस धाम में, और ये बताती है कैसे सनातन समय से हिंदू धार्मिक मान्यताओं को आज भी उस ऊंचाइयों तक ले जाने का काम काशी विश्वनाथ में हो रहा है। ये एक साधना स्थली है, साधकों की स्थली है, और ये विहंगम दृश्य इस बात की गवाही देता है, इस बात को पुनर्स्थापित करता है कि ये जो साधना है ये निरंतर है, और ये आज भी, कल भी चल रही थी, आज भी है और आगे भी चलती रहेगी। और उसी साधना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तहत एक हिस्सा बनने के लिए आज जो तमाम लोग जुटे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस साधना का एक हिस्सा है। अब से कुछ देर पहले ललिता घाट पर उन्होंने माँ गंगा की गोद में जाकर एक पवित्र डुबकी लगाई, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, और उसके बाद में वहाँ से जल लेकर वो निकले हैं, कलश में उन्होंने जल लिया है, और उसके बाद में अब वो जल लेकर बाबा विश्वनाथ को चरणों में अर्पित करेंगे, उस लिंग पर अर्पित करेंगे। और ये पूरी धार्मिक आस्था के साथ प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही ये पूरी एक तरीके से क्रिया है, जिसके तहत माना जाता है कि बाबा के पास में आप अगर माता गंगा का जल चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से आपको तमाम पुण्य के लाभ प्राप्त होते हैं। और उस लाभ का ही असर होता है कि जब देश का प्रधान सेवक सशक्त होता है, मजबूत होता है, शक्ति से संचारित होता है, उसका लाभ पूरे राष्ट्र को मिलता है। और निश्चित तौर से हमने देखा ये ऐतिहासिक लम्हों
ये ऐतिहासिक क्षण अब से कुछ देर पहले जब पवित्र एक और आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मल गंगा में लगाई। हमने इससे पहले प्रयागराज में भी देखा था, संगम स्थली पर जब प्रधानमंत्री ने वहां पर डुबकी लगाई थी, तो निश्चित तौर से जो एक बिगड़ा उठाया था स्वच्छ निर्मल गंगा का को बनाने के लिए, वो एक काम साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जल आज ऐसा है माँ गंगा का कि आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप वो आचमन कर सकते हैं, उनको आत्मसात कर सकते हैं। माँ गंगा के उस स्वरूप को वापस लाने का जो एक बड़ा भागीरथी प्रयास किया जा रहा था, वो बहुत हद तक जमीन पर उतर गया और आज स्वच्छ निर्मल गंगा लोगों का आह्वान करती है कि आओ और मुझे आत्मसात कर लो, आओ और मुझे अपने साथ लेकर चलो। निश्चित तौर से ये बताता है कि जो प्रयास किए गए हैं काशी धाम में, वो वाराणसी में, वो अपने आप में निश्चित तौर से फलीभूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर देखें तो यहाँ साक्षात देवाधिदेव महादेव का वास है। ये सनातन संस्कृति का दिव्य प्रकाश स्तंभ है। भगवान शंकर का चरण पखारने के लिए त्रिपथगा गंगा साक्षात यहाँ विद्यमान है। यहाँ धर्म और कर्म अभिन्न है, यहाँ पर भवन भवानी आसन्न है, यहाँ पर शक्ति और भक्ति अनन्य है, और काशी में जीवन और मृत्यु भी धन्य है। मेधा इसका ललाट है, संस्कार इसकी भाषा है, सरलता जीवन दर्शन है, सहजता वेशभूषा है, प्राचीनता से भी प्राचीन अनंत विभूषित महास्थान है। काशी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशिष्ट और प्रधान है। ये सनातन संस्कृति की सर्वोच्च भावभूमि आप देख रहे हैं, ये सर्वोच्च भावभूमि है सनातन संस्कृति की। आत्म उत्कर्ष और आत्मोद्धार की ये पवित्र पुण्य भूमि है। व्यस्ति के उत्थान और समष्टि के कल्याण का मंत्र देती है काशी। अनंत अव्यक्त अक्षर और अविनाशी है काशी। ये विद्युत अद्भुत विहंगम दृश्य काशी की महिमा को वर्णित करने के लिए शब्द भी कम पड़ सकते हैं, ये देख रहे हैं। और ये संकल्पना मूर्त रूप साकार हुई है, स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि का ये प्रमाण है। बाबा विश्वनाथ के धाम का आज लोकार्पण हो रहा है देश के लिए और विश्व के लिए। आरती जी ने एक जिक्र किया था अश्विनी जी, तुलसीदास जी के उस दोहे का, जिसमें वो कहते हैं कि जो भगवान शिव है वहाँ पर तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं, यहाँ जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होता है उस नाम का उपदेश करते हैं जो आपको तमाम जीवन मरण के चक्र से विनुर्मुक्त कर देता है, और इसीलिए इस क्षेत्र को अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। भगवान शंकर ने स्वयं इस क्षेत्र को आनंदवन का नाम दिया। भगवान पिनाकी शंकर ने इसको आनंद इसलिए किया कहा क्योंकि ये जो काशी क्षेत्र है वो अपने आप में मोक्ष स्वरूप ही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वृंदावन जैसे धाम में रहने वाले लोग कहते हैं कि हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए। बहुत ही स्पष्ट तौर पर ये वर्णित है काशीखंड में कि भगवान शिव केवल मोक्ष नहीं देते, सब कुछ देते हैं। जो मोक्ष चाहता है उसे वो मोक्ष देते हैं, जो मोक्ष नहीं चाहता उसे वो इष्ट देते हैं। अपने इष्ट की प्राप्ति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, जो कुछ भी अगर आप चाहें आप इस आनंदवन में प्राप्त कर सकते हैं, जिसे स्वयं भगवान पिनाकी ने इसे अपना नाम दिया। इस पूरे वन में जितने भी शिवलिंग हैं, यहाँ तक कि जितने भी कंकड़ हैं, उसको शिव स्वरूप कहा गया है। क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में बताया कि ये पूरा का पूरा जो काशीखंड है, ये पूरा का पूरा काशीखंड इस पृथ्वी के भूभाग से अलग है, क्योंकि भगवान शिव और उनकी शक्ति शिवा। अब आप ये स्पष्ट तौर पर जो आरती जी ने तुलसी मान भगवान तुलसी का जो जिक्र किया और उनके चौपाई का जो जिक्र किया, स्पष्ट तौर पर शुरुआत में ही भगवान रामचरितमानस के शुरुआत में ही अश्विनी जी वो शिव और शिवा की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रयागराज की धरती पर याज्ञवल्क और भारद्वाज जी के बीच में जो रामायण को लेकर के प्रश्न पूछे गए, जब उन्होंने राम कथा पूछी भारद्वाज मुनि से याज्ञवल्क जी ने, तो उन्होंने उनको शिव कथा सुनाई। शिव कथा से शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक आप शिव को नहीं समझेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समझना आपके लिए संभव ही नहीं है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में
जब परीक्षित भगवान सुखदेव से कृष्ण कथा पूछते हैं तो पहले भगवान सुखदेव उनको राम कथा सुनाते हैं। जब तक आप राम को नहीं समझेंगे, जब तक आप राम की मर्यादा का चश्मा नहीं लगाएंगे, आपको योगेश्वर कृष्ण समझ में आ ही नहीं सकते। जब तक आप शिव को नहीं समझेंगे, राम तक आपकी गति हो ही नहीं सकती। और उसी तारक ब्रह्म, उसी शब्द जिसका उपदेश भगवान शिव यहां पर मरने वालों के कान में कहते हैं, वो शब्द ही है राम या फिर प्रणव, ओम। इसी का नाद वो कान में कहते हैं जाकर के, और मां भवानी स्वयं पंखा करती हैं यहां पे जो मरण होता है उसका, इतनी महिमा है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अद्भुत दृश्य है, अद्वितीय दृश्य है। निश्चित तौर से अजय, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहां पर मुक्ति के लिए मंत्र देते हैं भगवान शिव, यहां मरणम मंगलम यत्र विमूर्तिम यत्र भूषणम कौशेयम यत्र काशायम सा काशी किम सेव्यते। यहां पर मरना भी धन्य माना जाता है, जीवन गुजारना यहां पर तो अद्वितीय है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव की ये नगरी हर तरीके से, ये धर्म कर्म और आध्यात्म का यहां पर संगम है, साहित्य कला संगीत का यहां पर संगम है, सनातन संस्कृति का ये सर्वोच्च प्रकाश स्तंभ तो है ही, साथ ही साथ ये स्पष्ट तरीके से पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन, सभ्यता से भी प्राचीन, इतिहास से भी प्राचीन, मानव संस्कृति से भी प्राचीन ये नगर है। क्योंकि भगवान शिव ने सर्वप्रिय नगर के रूप में हिमालय के बाद अगर कहीं पर साक्षात माँ पार्वती के साथ वास किया तो यही काशी में उन्होंने वास किया, और काशी को ये गौरव प्राप्त है। और काशी के गौरव में, काशी की गरिमा में, काशी की महिमा में आज एक और स्वर्ण जड़ित, काशी के मुकुट में एक स्वर्ण जड़ित रत्न जैसा लग रहा है काशी का ये धाम, भगवान के धाम का ये पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ गंगा से भगवान विश्वनाथ के बीच के सारे अवरोधों को हटा दिया गया है। सनातन संस्कृति बेहद विशिष्ट है, इसको अगर देखें तो हमने ही पूरी दुनिया को, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, अगर जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वार्गिक स्वर था दिया सुनाई। हमने सामगान किया तब जब पश्चिम की पूरी सभ्यता केवल वनफल खाकर छाल पहनकर अपनी लाज बचाती थी, वन और कंदराओं में रहती थी, सभ्यता के लिए उसने नगर नहीं बसाए थे, तब भारत के इन्हीं तटों पर, गंगा के इन्हीं तटों पर वेद की ऋचाओं का को लिखा गया, सामगान का ध्वनि यहाँ से पूरी दुनिया ने सुना। और इसी को अगर कहा जाए कि स्पष्ट है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने को कर सकता जगती सौरभमय। ये सनातन संस्कृति है जिसने विश्व को सभ्यता का, संस्कृति का, संस्कार का, धर्म का, आचार का, व्यवहार का, मर्यादा का मंत्र दिया, और उन्हीं मंत्रों पर पूरी दुनिया आरूढ़ है। हम ही ने उद्घोष किया वसुधैव कुटुंबकम। अजय आरती, बिल्कुल सही कहा अश्विनी आपसे। और अभी जब मैं विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के मंदिर, उनके धाम और उनके प्रांगण का अवलोकन कर रही थी, तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि संभवतः पहली बार ये अवसर मुझे मिला है कि पूरे मंदिर परिसर की संपूर्णता में मुझे इस प्रकार से उसको मैं देख सकूं, उसका दर्शन कर सकूं। और जो पिछले वर्षों में, कुछ दशकों में आसपास जिस तरह का जो हम कंजेशन कहें, जो भीड़ भाड़ और जो अतिक्रमण की स्थिति थी, उससे कहीं ना कहीं बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है वो हमारी नज़रों से ओझल होता जा रहा था। तो निसंदेह ये एक अद्भुत कार्य है इस दिशा में। और मुझे मंदिर को देखते हुए ये भी ख्याल आया कि मैं जिक्र करूं कि मंदिर के भीतर एक कूप है जिसे ज्ञान वापी कहते हैं, और उसे विजडम ऑफ वेल, वो ज्ञान का कूप है। और एक बड़ा ही रोचक तथ्य मैंने मेरी जानकारी में आया कि जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा की इस मंदिर को नष्ट करने के लिए समय समय पर आक्रमण हुए, और एक बार ऐसा हुआ कि जो मुख्य हमारे पुरोहित थे उन्होंने बाबा का ये जो ज्योतिर्लिंग, जो कि सातवां ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में,
उसे बचाने के लिए स्वयं उसके साथ मंदिर में कूद गए। और मुझे लगता है कि उसके बाद से अब तक भी बाबा का जो ज्योतिर्लिंग है वो उसी स्थान पर पूजित होता है। तो देख सकते हैं हम जिस तरीके से विजुअल्स में हमें दिखाई दे रहा है मंदिर का शिखर, और एक अद्भुत सी ऊर्जा का प्रवाह होता है हमारे मन मानस में जब हम उसे देखते हैं। और निश्चित तौर पे ये एक बड़ा ही विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए जिसके आज हम साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त शिखर से होते हुए भगवान सूर्य की किरणें इस स्वर्णमय शिखर पर जब आप अपनी चक्षुओं से देख रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, तो एक ही शब्द इसके लिए इस वक्त जो मेरे मन में आ रहा है वो है आनंद। बार बार भगवान कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो आनंद आनंद है, आनंद वन है। इस वन में जितने भी लिंग हैं, समस्त लिंग हैं, वो आनंद के बीजों के अंकुर हैं। ये जो शिवलिंग हमें दिखाई देते हैं जिसका हम दर्शन करते हैं पूरी काशी में, असंख्य शिवलिंग यहाँ के कंकड़ कंकड़ हम बार बार कह रहे हैं कि शंकर का ही स्वरूप हैं, उनको आनंद का बीज कहा गया है। जब शिवा और शिव अपनी शक्ति के साथ इस भूखंड पर, जिसका निर्माण उन्होंने सबसे पहले किया, इस ब्रह्मांड को बनाने से पहले, उसके बाद उन्होंने सोचा कि किसी को ऐसा बनाया जाए जिसके ऊपर हम सारा कार्यभार छोड़ करके केवल लोगों को मोक्ष प्रदान करने का कार्य करें। कितना प्रिय है माँ भगवती शिवा और शिव को स्वच्छंद रूप से काशी में मरने वालों को मोक्ष देना कि वो अपने संपूर्ण कार्यों को किसी के ऊपर छोड़ना चाहते स्वच्छंद होने के। उसके बाद भगवान श्री शिव अपने वाम अंग पर, अपने नारायण यहाँ पर उत्पन्न हुए, तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया वो है उग्र तपस्या। 50,000 वर्षों तक इतनी भीषण भगवान श्री हरि नारायण ने तपस्या की कि भगवान शंकर का मस्तक हिल गया। और जब उन्होंने अपने ललाट को थोड़ा सा हिलाया तो कहते हैं कि वहां पर उनके एक कान का सर्प रूपी मणि गिर गया। और इसीलिए जो पहले चक्र पुष्करणी 50,000 वर्षों के पहले जो क्षेत्र चक्र पुष्करणी था उसको बाद में मणिकर्णिका कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान के कान से, उस ललाट के स्वेदन से जो कर्णिका गिरी उससे ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद भगवान शिव बार बार विष्णु से कहते हैं, मैं आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए, अब मैं उसी वरदान का आपको एक थोड़ा सा जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। भगवान श्रीहर विष्णु ने फिर से जो वरदान मांगा वो देखिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, संपूर्ण संसार के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए मांगा, जिसका संदेश ही भारत यानी ज्ञान में रत इस धरा से पूरे विश्व को जाता है, वसुधैव कुटुंबकम का जिसका जिक्र अश्विनी जी ने किया था। भगवान विश्व कहते हैं कि जो कुछ भी जंतु संज्ञक है सब कुछ काशी में मुक्ति लाभ करे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में जितने भी जंतु हैं, काश्यस्त्र यतो ज्योतिष तदनाख्ये ममीष, तो आपके पाप क्षय हो जाते हैं, और फिर तो यहाँ पर ब्रह्मद्रव के रूप में माँ गंगा विद्यमान है। जो प्राणी माँ गंगा से जलाभिषेक करता है भगवान श्री विश्वनाथ का, उसके पुण्य का लाभ सोचिए, उनके पुण्य का लाभ सोचिए कि कितने गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु ने फिर से वरदान स्वरूप मांगा कि जो काशीवासी सज्जनों के लिए ये काशी में रहना सत्ययुग के समान हो जाए। अब आप समझें कि यहाँ पर इस वक्त हम भले ही कलयुग में निवास कर रहे हों, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु के वरदान के प्रभाव से जो सज्जन काशी वास करते हैं वो सत्ययुग, वो सदा सत्ययुग में हो जाते हैं। यहाँ पर समय कभी भी दक्षिणायन नहीं होता है, माँ उत्तरायण है, यहाँ स्वयं काल उत्तरायण हो जाते हैं, क्योंकि कालों के भी महाकाल भगवान श्री भैरव, कालों के भी महाकाल यहाँ के अधिपति हैं, यहाँ के कोतवाल हैं। जहाँ पर थोड़ी देर पहले साक्षात महादेव, जहाँ पर थोड़ी देर पहले आपने इसी दूरदर्शन के माध्यम से आरती के दर्शन किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वहीं से शुरुआत की, क्योंकि कहते हैं कि काशी में जो कोतवाल साहब हैं उनसे पूछे बिना कोई काम होता नहीं, और वहीं से इस यात्रा की शुरुआत हुई जो इस वक्त माँ गंगा में अवगाहन के बाद वस्त्र परिवर्तन के रूप में शायद इस वक्त
थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ रहा है, लेकिन वो प्रतीक्षा आपके लिए कितना बड़ा आनंद लेकर के आ रहा है इन दृश्यों के रूप में, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। आप इसका जरूर लाभ उठाएं, या आप सभी से विनती है। अश्विनी, एकदम सही कहा जय आपने, और इस समय बाबा के धाम का आप स्वर्ण शिखर देख रहे हैं। सनातन संस्कृति के इस दिव्य स्तंभ के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया था। ये स्वर्ण शिखर और ये स्वर्णिम आभा इस समय सूर्य साक्षात यहाँ पर मौजूद है। संपूर्ण कोट के निश्चित तौर से देश के दुनिया के लोग इसको तो देख ही रहे हैं, लेकिन काशी में निश्चित तौर से ये माना जा सकता है कि समूचा देवाधिपति के इस दरबार में समस्त देव भी मौजूद हैं। और ये स्वर्णिम आभा उन्हीं आभा को स्पष्ट करती है कि किस तरीके से आज बाबा के धाम के लोकार्पण विश्वार्पण के लिए भगवान शंकर के धाम में सूर्य समेत जितने देव गण, शंकर भगवान का के जितने सेवक, शंकर के अनन्य साधक और साथ ही साथ समस्त योग योगिनियां, समस्त देव नर मुनि गंधर्व संत समाज साधक मानव हर कोई यहां पर मौजूद है, मूर्त रूप में भी, अमूर्त रूप में भी, साक्षात रूप में भी। एक सिर्फ लाइन कह दूं जी, आपने स्वयं से कहा, भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, धातु नाम अस्मितांज, निराकार नारायण जब निराकार होते हैं तो भगवान राम कृष्ण और शिव के रूप में उद्भूत होते हैं, और वही निराकार नारायण निराकार हो जाते हैं तो ब्रह्मद्रव माँ गंगा के रूप में। यथा गौरी तथा गंगा तस्मात् गौर्यास्तु पूजने यो विधिर्विहितं सम्यक् सोपि गंगा प्रपूजने। गंगा माँ की पूजा कैसे करें? भगवान शिव ने कहा जैसी माँ गौरी हैं वही माँ गौरा गंगा हैं। जिस तरह से आप माँ गौरी की पूजा करते हैं वैसे ही माँ गंगा की पूजा करनी है, और भगवान शंकर के जलाभिषेक से पहले माँ गंगा का पूजन तो बनता ही है, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद भगवान शिव ये कहते हैं, यथा हम त्वम तथा विष्णु, यथा त्वम तु तथा उमा, उमा यथा तथा गंगा चतुरूपम न भिदते। हे विष्णु जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम, हे विष्णु जैसे तुम हो वैसे ही गौरी हैं, जैसी गौरी हैं वैसी ही गंगा है, और चारों में कोई भेद नहीं है। भगवान मुझ में व्यक्त सकल संसार, मुझ में व्यक्त सकल संसार, जटा गंग गल मुंड कपाल, जटा गंग गल मुंड कपाल, घोर गोरी महाकाल, सकल भुवन त्रिलोक प्रकाश, नित्य चिरंतन नगरी राजा, विश्वनाथ हूँ मदानवाजी, मुझको प्रिय मोरी नगरी काजी, मुझको प्रिय मोरी नगरी काजी, चिर सताशता अलोकित भया संसार, वैभव का देख प्रसाद, करे विरोधी तुच्छ असुर धर्म विरोधी अज्ञानी सत्य विरोधी, सनातन पर प्रहार हुआ, कुछ पल को अंधकार हुआ, त्रिलोकों से उठी हुंकार, तोहरे भक्तों की गही पुकार, जागा फिर मैं कर दर
नव सृजन फिर करने लागा सत्य का फिर परचम लहराया स्वर्ण युग को फिर वापस लाया स्वर्ण युग को फिर वापस लाया स्वर्ण युग को फिर वापस लाया। काल के परे आदि गुरु शिव की चेतना से प्रकाशित शाश्वत सनातन नगरी काशी। काशी का सबसे प्रमुख केंद्र है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु विश्व के कोने कोने से काशी आते हैं। 12वीं शताब्दी में जब सनातन संस्कृति का सूर्य अपने चरमोत्कर्ष पर था तब सर्वप्रथम कुछ आततायियों की कुदृष्टि काशी पर पड़ी और काल के वज्र को स्वयं महाकाल को भी झेलना पड़ा। परंतु इस रक्त रंजित काल में भी अदम्य आस्थावानों ने काशी विश्वनाथ मंदिर की ज्योति को अखंड बनाए रखा, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाई इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होलकर ने, जिन्होंने 1777 में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण कराया। महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करवाया। अपने नए मंदिर में प्रतिष्ठित बाबा विश्वनाथ पुनः पूरे विश्व से अपने भक्तों को आकर्षित करने लगे। समय के साथ श्रद्धालुओं के जन सैलाब के समक्ष काशी की गलियां संकरी पड़ने लगी। प्राचीन मंदिर अतिक्रमण में छिपते चले गए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भक्तों के लिए दुर्गम होता चला गया। 1916 में जब महात्मा गांधी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए तो इस क्षेत्र को देखकर उनका मन बहुत व्यथित हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने वक्तव्य में अपनी इस पीड़ा को व्यक्त करने से वो अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपने परिश्रम की पराकाष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति से काशी के सर्वांगीण सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास की अभूतपूर्व यात्रा प्रारंभ की। प्राचीन काल में मां गंगा से जल भरकर सीधे बाबा विश्वनाथ को अर्पित करने की परंपरा थी, जो कालांतर में अनियोजित निर्माण के कारण अवरुद्ध हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोक आस्था से जुड़ी इस विशिष्ट प्रथा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लेते हुए मां गंगा को बाबा काशी विश्वनाथ से पुनः मिलाने का संकल्प लिया। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जब मुझे समझाया तो एक कागज निकाल के उन्होंने अपनी पेन से पहले ड्राइंग बनाई। बोले गंगा से होते हुए चढ़ के पिलग्रिम टू पर आ सके और ऐसे बनाना है कि उनका मन प्रफुल्लित हो जाए। परंतु सामने थी चुनौतियों की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। 5 लाख स्क्वायर फीट में विस्तारित काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को बनाने के लिए आवश्यक था 1000 से ज्यादा भवन मालिकों को स्थानांतरण के लिए सम्मान पूर्वक सहमत कराना, अतिक्रमित मंदिरों को मुक्त कराना, सघन आबादी के बीच जर्जर हो चुके प्राचीन मंदिरों को बचाते हुए संक्षिप्त समय में नव निर्माण कराना। ऐसी चुनौतीपूर्ण परियोजना को अवरोधों और मुकदमों से मुक्त रखने के लिए
माननीय प्रधानमंत्री ने संवाद और समन्वय का अद्भुत मंत्र दिया। उनकी इस दूरदृष्टि से बाबा का धाम तेजी से अपनी पूर्णता की ओर बढ़ने लगा।